हिंदू हीन प्लस दू, जो दूसरे को हीन भावना से देखता है उसको हम हिंदू धर्म कहते हैं। उस विचार को 14 अक्टूबर 1956 को बाबा भीमसाव अंबेडकर जी ने त्याग करके 5 लाख लोगों के बीच बौद्ध धर्म स्वीकार किए, क्योंकि वह शांति अहिंसा समानता का बात करते थे। वाणी के साथ उस दुर्गा जो 10 हाथ वाली है उसको राक्षस घोषित करते हुए हम अपनी वाणी समाप्त करते हैं। नमो बुद्धाय। अकारण किसी का विरुद्ध नहीं होता, अकारण किसी का विरुद्ध नहीं होता, जात पात के भेद से कोई अछूत नहीं होता। और कुछ तो खामियां रही होंगी इन धर्मों में, वरना महल में रहने वाला राजकुमार गौतम बुद्ध नहीं होता। कभी किसी के दिल को तो हिट मत करना, जरूरत से ज्यादा किसी चीज को स्वीट मत करना, भले कॉल करना या मत करना, मगर अपने दिल के मोबाइल के फाइल से महात्मा बुद्ध को डिलीट मत करना, डिलीट मत करना। सभा में उपस्थित सभी माताएं बहने, उपस्थित सभी बौद्ध विचारक मंचाशील, सभी बौद्ध विचारक, सभी लोगों बौद्ध धर्म के अनुयायी मानने के लिए तहे दिल से सादर प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। इस पृथ्वी पर दो ही महान व्यक्ति हुए, एक हुए बाबा भीमराव अंबेडकर और दूसरे हुए महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध पूरे विश्व में फैले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे विश्व में अपने ज्ञान को फैलाए। इसलिए इस महान अशोक सम्राट बौद्ध धर्म विजय दिवस के रूप में हम सभी आप लोग को अभिनंदन करते हैं कि आप लोग इस सभा में उपस्थित हुए। और सबसे बड़ा ज्ञानी भारत का भीमराव अंबेडकर, हिंदू धर्म जो विभिन्न प्रकार का घृणा फैलाता है, हिंदू हीन प्लस दू, जो दूसरे को हीन भावना से देखता है उसको हम हिंदू धर्म कहते हैं। उस विचार को 14 अक्टूबर 1956 को बाबा भीमसाव अंबेडकर जी ने त्याग करके 5 लाख लोगों के बीच बौद्ध धर्म स्वीकार किए, क्योंकि वह शांति अहिंसा समानता का बात करते थे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग जो आज यहाँ पर जुटे हुए हैं, यह बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो अस्पताल में जाता है, जब कोई किसी को पीटता है तो वह संविधान में जाता है। इसलिए इस पृथ्वी पर वर्तमान में यदि कोई सबसे बड़ा धर्म है तो एक संविधान और एक विज्ञान। एक रोटी कम खाइए परंतु बच्चे को जरूर पढ़ाइए। और इसी वाणी के साथ उस दुर्गा जो 10 हाथ वाली है उसको राक्षस घोषित करते हुए हम अपनी वाणी समाप्त करते हैं। नमो बुधाय। डॉक्टर महेंद्र नास्तिक जी, 2 मिनट। जय 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 भीम, जय 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 भीम। सर 2 मिनट में अपनी बातों को रखें, आपका बहुत बड़ा एहसान। इनके बाद ये प्रोफेसर बरदर महान जी समय का ध्यान रखेंगे। सर बोलिए, उसमें आप उसमें बोलिए ना। आई रिक्वेस्ट अकारण ही किसी का विरोध नहीं होता, अकारण ही किसी का विरुद्ध नहीं होता, जात पात से कोई अछूत नहीं होता। और कुछ तो खामियां रही होंगी इन धर्मों में, वरना महल में रहने वाला राजकुमार महात्मा बुद्ध नहीं होता। हमारे भाई का निवेदन है
कि ब्रदर जी एक बार और रिपीट कर दीजिए। देखिए अकारण अकारण किसी का विरुद्ध नहीं होता, अकारण किसी का विरुद्ध नहीं होता, जात पात के भेद से कोई अछूत नहीं होता। और कुछ तो खामियां रही होंगी इन धर्मों में, वरना महल में रहने वाला राजकुमार गौतम बुद्ध नहीं होता। मेरे भाइयों एवं बहनों, हमारे भंते सभी बहने दिल्ली से आई हुई हमारी बहने मंच पर बैठे मंचासीन और जितने भी इस पंडाल में और आजू बाजू हमारे बौद्ध अनुयायी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी आए हुए हैं, उन्हें हम नमो बुधाय कहते हैं। और कह रहा हूं कि देखिए जिंदगी में अगर आन बान शाम से जिंदगी जीना है तो हमें गौतम बुद्ध के बताए हुए राह पर चलना है। बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए राहों पर चलना होगा। हमें सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले के बताए हुए राहों पर चलना होगा। मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, कभी किसी के दिल को तू हिट मत करना। क्रिकेट के लैंग्वेज में हिट का मतलब चोट पहुंचाना होता है। कभी किसी के दिल को तू हिट मत करना, जरूरत से ज्यादा किसी चीज को स्वीट मत करना, भले कॉल करना या मत करना, मगर अपने दिल के मोबाइल के फाइल से महात्मा बुद्ध को डिलीट मत करना, डिलीट मत करना। इतना ही नहीं ब्रदर, ये कहते हैं कि आए हमारे पास अनुयायी, आप लोग बौद्ध धर्म में हैं तो जमे रहिए और विकास कीजिए जिंदगी को। और ये मैं कहूंगा कि दिल को उड़ने मत देना जहाज जेब की तरह, दिल को उड़ने मत देना जहाज जेब की तरह। बाबा साहब अंबेडकर और गौतम बुद्ध को दिल से लगाए रखना मोबाइल स्लेट की तरह। और तू तो हर वक्त मेरे सुबह बोलने भी आया करते हो, मेरी जिंदगी में छा जाना इंटरनेट की तरह, इंटरनेट की तरह। हमारे सत्यनारायण मौर्य जी भी रामधनपुर की धरती से आए हैं, हम सबका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और धर्म संस्कारक कपिल मुनि मौर्य जी, सरपंच साहब अरविंद जी का भी वंदन अभिनंदन करते हैं। और यही कहता हूँ कि भारत में रहना है तो हमें बुद्ध को विचारों को इतना प्रसार करना है कि सभी के जवाब पर नमो बुधाय आता रहे। और इतना ही नहीं, हिमालय एक पहाड़ है, इसे टीलों में मत बांटो। गंगा एक दरिया है, इसे झीलों में मत बांटो। और भारत तो एक देश है, देश इसे कबीलों में मत बांटो। जय भीम, जय महात्मा बुद्ध। साधु, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आग्रह करना चाहता हूँ।